बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि हम लोग के लिए रांची के लिए सुविधा मिल रहा था, और हावड़ा जाने को लेकर भी काफी समय लग रहा था, समय का बचत भी होगा, लगभग 6 घंटे के मतलब अंदर में हम लोग कहीं ना कहीं पटना से हावड़ा पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पहला वंदे भारत रांची के लिए आया और ये दूसरा वंदे भारत है जो हम लोगों को पटना से हावड़ा के लिए मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है, तो बहुत खुशी लग रहा है। धन्यवाद देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में एक से बढ़कर एक सौगात दे रहे हैं, तो बिहारियों के लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। बिहार के लोगों को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है, और इस वक्त देखिए पटना जंक्शन से फिलहाल जमुई के लिए ट्रायल रन के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो रही है। सीधी तस्वीर आपको पटना जंक्शन से दिखा रहे हैं, यही ट्रेन है जो कि पटना से हावड़ा के बीच चलेगी। 24 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें पटना हावड़ा वंदे भारत भी शामिल है, साथ ही रांची से हावड़ा के लिए भी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी। और फिलहाल आज ये ट्रेन जमुई तक जा रही है, जमुई से फिर वापसी होगी, और काफी कम समय में पटना से हावड़ा की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। और पूरी शानदार ट्रेन इस वक्त पटना जंक्शन पे लगी हुई है, लोग भी काफी उमड़े हुए हैं देखने के लिए, और जितना उत्साहित पटना के लोग हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के, उतने ही ज्यादा उत्साहित हावड़ा के भी लोग हैं। अंदर भी जो खूबियां हैं, खासियत है वो इस ट्रेन की देखिए, यहाँ पुश बटन भी दिया गया है, सीट भी काफ़ी इसके आरामदायक हैं, बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखने का मन है तो यहाँ से ये कर्टन नीचे भी आप कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन फिलहाल पटना जंक्शन पर मौजूद है और ट्रायल रन के लिए तैयार हैं। जो सीट्स हैं, सीट की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी आरामदायक हैं, और तमाम जो स्टेशन आएंगे उसके बारे में अनाउंसमेंट करके लगातार जानकारी भी दी जाएगी। यहाँ पे अगर लोग बैठते हैं तो यहाँ पर मैगजीन पढ़ने का मन हो तो इस तरीके से ये टेबल फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी यात्रा एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल 24 सितंबर को पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और इसके साथ ही रांची से भी हावड़ा के लिए एक ट्रेन 24 सितंबर को चलेगी, जो कि पीएम मोदी 24 तारीख को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरीके से ये सेंसर भी लगा है, पुश बटन भी है, दोनों ही तरीके से इस गेट को खोला जा सकता है। कुल मिला के अगर बात करें तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरीके से तैयार है पटना से हावड़ा के लिए, और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद वहां से रवाना होगी। और ये देखिए जो वॉशरूम है वो काफ़ी लग्जूरियस आपको देखने को मिलेगा। आम ट्रेनों के मुकाबले बात करें तो इस ट्रेन में काफ़ी कुछ अलग है, यूनिक है, और इसीलिए और ट्रेनों से अलग वंदे भारत ट्रेन बनती है। आज जमुई तक ये ट्रेन जाएगी और जमुई से फिर वापस होगी, यानी आज ट्रायल रन है। इससे पहले भी रेलवे की ओर से कोशिश की गई और अब आज अंतिम ट्रायल रन है, जब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना।